दो विकेट आते हुए गेंदबाजी के लिए। ये बढ़िया स्टेप आउट हवा में उछाल दिया, क्या फील्डर है वहां, बॉल को लेंगे जी नहीं, यहां पे अंपायर का इशारे का इंतजार रहेगा और अंपायर ने इशारा किया 6 रन का। तो ये पहला छक्का आता हुआ और इस छक्के की मदद से 50 रनों का आंकड़ा भी पार होता हुआ यहां पर। ये लीजिए विकेट नंबर, जश्न बनना शुरू और यहां पर विकेट नंबर 3। थोड़ा सा पैर उठ गया और तारीफ करनी होगी यहां पे विकेट कीपर की, क्या कमाल की स्टंपिंग है उनके द्वारा। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, बॉल की पिच को खोजने के लिए निकले थे आगे की ओर और पिछला पांव थोड़ा सा उनका उड़ गया और यहां पर विकेट कीपर की दाद देनी होगी। वास्तव में हम इस समय विकेट कीपिंग देखते ही ये महसूस हो रहा है कि हम इस समय रांची में हैं, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विश्व में और महान विकेट कीपर्स नहीं रहे हैं, लेकिन माही की बात की जाए, माही के शहर में ना की जाए तो फिर वो गलत होगा और बिल्कुल अंदाज भी वही था। स्टंप आउट करते ही गेंदबाज की ओर जिस तरीके से उन्होंने इशारा किया कि जी हाँ मैं अपना काम कर चुका हूँ, बिल्कुल अंदाज भी वही। वापस एक बार फिर बढ़िया क्रॉस गए खेलने के लिए हवा में बॉल, क्या फील्डर वहां पर मौजूद है जी नहीं, और उधर अंपायर का इशारा देखना है यहाँ पर 4 रन के लिए। देखा ये बॉल थोड़ा सा अंदर का बॉल है, बढ़िया बॉटम एंड किया शॉट में, पुल के अंदाज में खेला इस शॉट को, 4 रन। बल्लेबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामने है बल्लेबाज के बाएं हाथ के रितिक। ये बॉल बढ़िया लिफ्ट किया है हवा में, फील्डर नहीं है वहां और होते भी तो कुछ नहीं कर पाते, लॉन्ग ऑफ को क्लियर किया बॉल ने और अंपायर का इशारा 6 रन के लिए। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सीधा शॉट खेल दिया गेंदबाज के, जैसे ओवर द विकेट अपने ओवर के दिवेश। ये बढ़िया क्रॉस गए हवा में उछाल दिया, फील्डर पहुंचेंगे जी नहीं, अंपायर का इशारा 6 रन के लिए वापस। जैसे देखा ये ऊपर का बॉल है, थोड़ा सा क्रॉस गए क्रॉस द लाइन और मिड विकेट एरिया में उछाल के खेल दिया 6 रन के लिए। 77 रन, 77 स्कोरबोर्ड पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। ओवर नंबर 14 की अंतिम बॉल हवा में उछाल दिया एक बार फिर, क्या बॉल दूर जाएगी बाहर जाएगी या फील्डर है वहां, बिल्कुल है और ये कैच लेने में कोई गलती नहीं करेंगे एक आज दो भाल। तो इस प्रकार से विकेट नंबर 4 का पतन, ऊपर का बॉल लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाह रहे थे, बॉल बल्ले पे लगी, ऊंचाई में ज्यादा गई, लंबाई में कम गई, एकांश डोभाल थे वहां मौजूद, आगे की ओर गए और इस कैच को लेने में इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं करी। तो यहां पर विकेट नंबर 4 का पतन 77 के युग पर, अभी हम बात कर ही रहे थे कि एक पार्टनरशिप हो रही है, वो पार्टनरशिप यहां पर टूटी, यानी कि 53-23 रनों की पार्टनरशिप ही। के बैनर के नीचे तत्वधान में ये मुकाबला हो रहा है, लक्ष्य तेरे जा एक बार फिर अपने ही अंदाज में, छोटा बॉल था अंदर का बॉल, बढ़िया पुल लगाया, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर के इशारे का भी इंतजार हमें देखना होगा और समय दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर 6 रन का इशारा अंपायर के द्वारा हुआ, जैसे देखा छोटा बॉल है, बढ़िया बॉटम एंड ले गए, बढ़िया पुल किया काफी देर मिड विकेट के एरिया में, तारीफ करनी होगी। यहां पे 97 जा पहुंची रन संख्या, लक्ष्य तेरे जा एक बार फिर जिस तरीके से वो आ रहे हैं, ऐसे बाएं हाथ के गेंदबाज आते हैं, हाँ जब राउंड द विकेट आए तब। ये लीजिए एक बार फिर उसी प्रकार का बॉल, एक बार फिर उसी प्रकार का शॉट और यहां पर अपने जाल में फंसा लिया। जानते थे कि बल्लेबाज की मानसिकता से खेलना जैसे से कहते हैं, लेकिन जी नहीं, यह बॉल पड़ने के बाद गई, ऐसा लग रहा था कि यह कैच है, दरअसल टप्पे के बाद पहुंची फील्डर के पास। राउंड द विकेट आएंगे युगल बाएं हाथ के बल्लेबाज विनय को, ये बॉल छोटा बॉल पुल किया हवा में, क्या फील्डर बॉल को ले पाएंगे जी नहीं, अंपायर का इशारा बता रहा है ये 6 रन है। जैसे देखा है क्रीज के कोने से आए लेकिन बॉल को छोटा कर दिया और बिल्कुल बल्लेबाज के शरीर पे, बस शरीर के करीब, कई बार बल्लेबाज का वो स्ट्रांग जोन हो जाता है, स्ट्रांग जोन पे जैसे बॉल आया बैक फुट पे गए, कमर की ऊंचाई का बॉल था, अच्छा बॉटम एंड किया, पुल किया और बॉल निकली मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। तो स्वागत किया यहाँ पर गेंदबाज का 6 रन लगा करके बल्लेबाज विनय ने, उनकी निजी रन संख्या जा पहुंची है छक्के की मदद से 31, 31 गेंदों का सामना किया और अभी तक 3 छक्के लगा चुके हैं, चौका उनके बल्ले से कोई नहीं निकला। ये देखिए कितना बढ़िया जगह बनाई और डीप मिड विकेट को क्लियर किया उन्होंने।
ये लीजिए, एक बार फिर हवा में उछाला, फील्डर है नहीं, साइड स्क्रीन से जाके बॉल टकराई, बिल्कुल गेंदबाज के सिर के ऊपर से ऊपर का बॉल। अच्छी सोच के साथ यहाँ पर लाए थे युगल को 19वें ओवर में एक नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस कराना, ये शायद एक सवाल तो जरूर पैदा करता है। ये लीजिए एक बार फिर हवा में और एक बार फिर बॉल बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, 6 रन और लिख लीजिए स्कोरर। जैसे देखा है छोटा बॉल है, बढ़िया पुल लगाया, लॉन्ग ऑन को क्लियर किया और वहां ये इस ओवर में एक और छक्का आता हुआ, तीसरा छक्का इस ओवर से, और युगल यूं कह लीजिए कि अपनी टीम के लिए एक खुद ही चुनौती तैयार करते हैं। एक बहुत ही प्रोडक्टिव ओवर, बहुत ही खर्चीला ओवर यहां पर कहा जाएगा। ये बॉल अच्छा, गुड लेंथ का बॉल, रूम मिला, स्क्वायर कट के ले गए और यहां पर देखना है अंडरआर्म थ्रो। जी हाँ, निशाने पे देर से गए कि रन के लिए, और ये बनता भी है वहां पे। ये रणनीति पहले सोचनी चाहिए थी, यहाँ पर एक विकेट का नहीं बल्कि एक रन का नुकसान हुआ। अगर यहाँ पर जैसे ही बॉल मिस हुआ था वैसे निकल पड़ते तो हो सकता था कि यहाँ पर रन पूरा हो सकता था, और चतुराई की दाद देनी होगी। विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया और गेंदबाज की ओर उछाला, और गेंदबाज ने बिना किसी हड़बड़ाहट के बॉल को लिया। आभा जैसे कहते हैं ना, एक अंबर। ये बॉल हवा में उछाल दिया, पीछे फील्डर है क्या, दूर है, और यहां पे अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। अभी तो देखना अंपायर का इशारा क्या कहता है। तो इसी के साथ यहां पर एक और ओवर की समाप्ति, 4 ओवर हो चुके हैं और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 27 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4। पिछली बॉल को बढ़िया कलाइयों के सारे सनत ने 6 रन के लिए खेला मिड विकेट के ऊपर से एयर इंडिया की। वापस एक बार फिर फ्रंट फुट निकाला, हवा में इनसाइड आउट, और ये गई बॉल पूरे हवाई यात्रा पे। जी हाँ, एयर इंडिया के बल्लेबाज ने एयर की सैर करा दी, हवाई यात्रा पे बॉल को भेज दिया कवर्स के ऊपर से 6 रन। और ये लीजिए आपके बाहर निकले, स्पिन को खोजा और बॉल निकली कवर्स के ऊपर से, अंपायर का इशारा उधर से देखना होगा। 6 रन तो जैसे ही देखा ये बॉल ऊपर का, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ निकल के खेला उसे 6 रन के लिए। कोई भी मंगेश 3 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं। रोहित यादव 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 19 रन कोई विकेट नहीं। विनय कुमार 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 15 रन और कोई विकेट नहीं है। अभय भोसले 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 3 रन और कोई विकेट नहीं। राहुल कंकर 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 9 रन और कोई विकेट नहीं। ओवर नंबर 10 और यहाँ पर ये लीजिए जो चाहिए था वो दिलाया है आखिरकार। थोड़ा सा ये बॉल ऑफ स्टंप की ओर का था और गए थे खेलने के लिए, निकल गए थोड़ा सा सनत, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं अपने हाफ सेंचुरी से, मात्र 1 रन से चूक गए, 49 रन बनाए। आउट होने से पहले 32 गेंदों का उन्होंने सामना किया। ये ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल की लाइन को मिस कर दिया और विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, अच्छा काम किया विकेट के पीछे उन्होंने। और इस प्रकार से ये पहली विकेट जो चाहिए था वो दिलाया यहाँ पर गेंदबाज राहुल ने। ये लीजिए काफी ऊपर का बॉल, फुल टॉस बना के खेल दिया है, अंपायर के इशारे का इंतजार, और ये लीजिए अंपायर बता रहे 6 रन। और यहाँ पे युगल ने भी, अच्छा माफ कीजिएगा, युगल ने नहीं बल्कि ये तेजस्वी के बल्ले से ही ये शॉट निकला ऊपर, बहुत ज्यादा फ्लाइट दिया, लटका के जैसे बॉल को दिया। ऐसे कहते हैं ना, हाँ बैल मुझे मार, जिस तरीके का बल्लेबाज सेट हो चुके हैं इतना ऊपर आप बॉल को करेंगे तो बल्लेबाज करेंगे क्या? बल्लेबाज वही करेंगे जो उनको इस बॉल पे करना चाहिए था। इसे कहते हैं खराब बॉल सही नसीहत। क्रीज के कोने से आए थे, काफी ऊपर बॉल को किया और वहां पर बल्लेबाज ने उसे फुल टॉस बना के मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए। 95 जा पहुंची रन संख्या। टाइमिंग की दाद देनी होगी, बढ़िया खेला, हालांकि 4 रन या 6 रन ये देखना होगा अंपायर का। यहाँ पे फील्डर बता रहे खेल भावना का परिचय दे रहे हैं 6 रन के लिए, तो इस छक्के की मदद से जो रन संख्या 124 जा पहुंचेगी। जी हाँ, 7 रन यहाँ से और चाहिए मात्र। अभी देता हूँ अभिनेत्रियां, ये बॉल, ये
शॉट खेल दिया है और यहाँ पर देखना है अंपायर का इशारा और ये बल्लेबाज अपने दस्ताने उतार रहे हैं, खिलाड़ी हाथ मिला रहे हैं, यानी कि शानदार छक्का लगाया यहाँ पर बल्लेबाज ने। जी हाँ, ये छक्का निकला बल्लेबाज तेजस्वी के बल्ले से और मात्र 14 ओवर में ही 131 रनों का लक्ष्य जो है वो अर्जित कर लिया है, यानी कि ये मुकाबला जीत लिया है 9 विकेटों के विशाल अंतराल से टीम एयर इंडिया ने, टीम न्यू इंडिया इंश्योरेंस को हरा करके और पूरे अंक बटोर लिए हैं।